चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। सिलवासा शहर में पहली बार प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा नगर पालिका के सहयोग से कचरा कंपोजिशन यूनिट का शुभारंभ नगर पालिका CEO मोहित मिश्रा जी की उपस्थिति में किया गया। 17 दिसंबर को सिलवासा शहर में पहली बार स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नगर पालिका के सहयोग से प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा कचरा कंपोजिशन यूनिट की शुरुआत नगर पालिका CEO मोहित मिश्रा जी की उपस्थिति में किया गया, जिसमें गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग कचरा पेटी में डालकर प्रदेश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाएगा। और तो और, इस यूनिट से गीला कचरे का कंपोस्ट बनाकर पेड़ पौधों को भी खाद के रूप में दिया जा सकेगा। आपको जानकारी दे दे कि नगर पालिका आने वाले दिनों में सभी जगहों पर यह यूनिट लगाने जा रही है, इसका प्रचार करने ब्रह्म कुमारीज द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग किया जाना है। इस अवसर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बलवंत पाटिल जी, सुरेखा दीदी जी एवं अन्य भाई लोग खास तौर पर उपस्थित रहे। जो आजकल देखो कितना सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए ना। इसके लिए अभी एक नया डस्टबिन आया है ना, गीला कचरा सूखा कचरा, तो हमने वो बॉम्बे से मंगवाया और उनके अंदर कैसे डालने का, कैसे खाद बनती है गीले कचरे की, और वो सारे हम खाद गार्डन में यूज कर सकते हैं। वहाँ से वो सारे जानकारी पाटिल सर से लेके आए और उन्होंने वो सारा लाए डस्टबिन, तो वो दोनों थे और हमारी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के इंचार्ज सुरेखा बहन थी, हम दोनों बहनें थी और भाई लोग थे और CM सर आए थे।